तो लो भाई, अब जो उड़िया की फिल्म जो दमन है उस पर जो बॉलीवुड के शहंशाह कहे जाने वाले, बॉलीवुड के खलनायक कहे जाने वाले संजय दत्त का भी बहुत ही बड़ा रिएक्शन आ चुका है। जी हाँ गाइस, जो संजय दत्त है अभी कुछ दिन पहले ही जो KGF 2 थी उसमें बहुत ही खतरनाक भूमिका निभाई थी विलन की, अब वो फिल्म जो दमन है उसके ऊपर बहुत ही बड़ा रिएक्शन दे दिया है। जी हाँ गाइस, जो दमन फिल्म है वो हिंदी में 3 फरवरी को रिलीज हो चुकी है। इससे पहले ये फिल्म उड़िया भाषा में रिलीज हुई थी और वहाँ पर इसका जो सक्सेस देखकर जितने भी उड़िया के लोग हैं सभी फिल्म को बहुत ही अच्छा तारीफ कर रहे थे, और वहाँ पर जितने भी लोग हैं जितने भी यूट्यूबर सभी ये फिल्म को बहुत ही अच्छा रिव्यू दे रहे थे, 5 में से 4 का रिव्यू दे रहे थे, 5 में से 4.5 का रिव्यू दे रहे थे। और कुछ लोग बोल रहे थे साउथ की फिल्म थी कंतारा उसकी टक्कर की फिल्म है, इसको भी हिंदी में रिलीज करना चाहिए, लेकिन फाइनली ये फिल्म हिंदी में रिलीज हो चुकी है और इसका जो प्रमोशन बहुत ही जोर शोर पर चल भी रहा है मुंबई में, तो इसी पर बहुत ही बड़े बड़े बॉलीवुड के एक्टर भी फिल्म को प्रोजेक्शन देते हैं। इससे पहले जो अजय देवगन, जब इसका ट्रेलर रिलीज किया गया था हिंदी में, तो अजय देवगन ने बहुत ही बड़ी बात बोली थी फिल्म के बारे में। उन्होंने ट्विटर पर कमेंट लिखते हुए कहा था कि ये फिल्म का मुझे बहुत ही ज़्यादा वेट है। इससे पहले और एक एक्टर ने इस पर रिएक्शन दिया था जो विद्युत जम्वाल है, विद्युत जम्वाल भी इस फिल्म को ट्वीट करके बहुत ही बड़ी बात बोली। इसी पर जो संजय दत्त फिल्म को देखे और देखने के बाद बहुत ही बड़ा बयान दे दिया, उन्होंने कहा है कि बॉलीवुड खत्म हो चुका है, बॉलीवुड की अभी देख लीजिए कोई भी फिल्म नहीं चल रही। साल 2023 में ओनली 2 फिल्में चली थी जो अजय देवगन की दृश्यम हो गई है, कार्तिक आर्यन की भूलभुलैया, उसके बाद 2023 में ओनली एक फिल्म चली है जो फिल्म का नाम है पठान। अभी बॉलीवुड की कोई भी फिल्म नहीं चल रही, अभी सभी फिल्में आउट ऑफ बॉलीवुड से चल रही है, जो साउथ की हो गई या उड़िया की हो गई। तो गाइस, उड़िया की फिल्म ये भी बहुत ही सुपर डुपर हिट हो रही है और बॉलीवुड की ये फार कर देगी। अगर बॉलीवुड के सामने ये उड़िया फिल्म दमन के सामने कोई बॉलीवुड की फिल्म है तो फ्लॉप हो जाएगी। तो गाइस, इतना बड़ा बात कहा है संजय दत्त ने। तो गाइस, सबसे पहले तो आप ये कमेंट में जरूर बताइए कि आपने फिल्म को देख लिया है और देख लिया है तो आपको ये फिल्म किस लैंग्वेज में देखा है, हिंदी में देखा है या तो उड़िया लैंग्वेज में देखा है, ये कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब और वीडियो ये पसंद आया होगा आपको तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अच्छी न्यू अपडेट के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए। ओके, टेक केयर।